डांस करते हो बहुत अच्छा, वेरी फनी, वेरी फनी। चीकू का मंकी डांस अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। प्लीज सब लोग कमेंट में बताना चीकू का मंकी डांस कैसा है। मंकी डांस कर रहे हो ना? मंकी मंकी चीकू मंकी। हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ, मस्त नहीं होती तो काम कैसे करती। आप देख रहे हो कि मैं क्या काम कर रही हूँ। मैं छत पे गई थी, ये मम्मी ने चना सूखने के लिए डाल रखे थे, तो मैंने सोचा मम्मी की हेल्प कर दूँ, अकेले कर नहीं पाएंगी वो, तो मैं मम्मी के साथ में हेल्प कर रही थी। और चीकू को देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं, चीकू फुल एंजॉय किया। चीकू ने अनाज की बारिश कर रहे थे, वैसे भी बच्चों का यही खेल होता है, कहीं अनाज की बारिश करते हैं, कहीं हाथ गीले करके बारिश करते हैं, कुछ भी करते हैं। वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ये शाम का टाइम था, तो शाम के टाइम में हम लोग गए थे छत पर। इसके बाद बहुत सारे कपड़े भी थे प्रेस करने के लिए, फिर मैंने कपड़े भी प्रेस किए। तो मैंने वो सब चना बोरी में रखवा के फिर मैंने सोचा इतने में झाड़ू लगा देती हूँ, तो झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया। अब इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। चीकू अपना देखो कैमरा चल रहा था, तो इतना मतलब वो सोच रहे थे कि मुझसे बात हो रही है, वो खुद बात करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे। और वैसे भी कैमरा के आगे अपनी पूरी एक्टिविटीज़ दिखाते रहते हैं हर टाइम। और फिर मुझसे भी कुछ बातें कर रहा था, बोलते जा रहा था कि कैसे डांस करते हैं, ये वो सारी बातें की। फिर हम लोगों ने छत का काम फिनिश करके फिर मैं नीचे आ गई। गाइस प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और नीचे आने के बाद मम्मी पापा मेरे, आपको बता दूं कि खाटू श्याम गए हुए थे, खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए। और पापा मम्मी ने तो मतलब वहाँ पे निशान चढ़ता है, निशान भी चढ़ाया था जाके। तो दो दिन का उनका टूर था, तो उनके कपड़े भी बहुत सारे थे मम्मी के और पापा के, तो मैंने कपड़ों में प्रेस किया। मैंने सोचा ये भी काम मैं कर लेती हूँ, करना है ही हमको, तो मुझे ये करना होता है, तो मैं अपने काम बिल्कुल टाइमली से करती हूँ, कोई मतलब दिक्कत ना आए। तो मैं प्रेस कर रही थी कपड़ों में और चीकू से भी बात करते जा रही थी। कहीं जाने में तो सब जगह अच्छा लगता है, लेकिन सबसे मतलब बोरी काम यही होता है। वहाँ से आने के बाद साफ सफाई करो, कपड़े साफ करो, उनको प्रेस करो, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। कहीं भी घूमने जाओ, बट ये बहुत बोरिंग काम होता है मुझे। मतलब अब मैं बैठ के प्रेस नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं हमेशा ही खड़े खड़े प्रेस करती हूँ, चाहे कितने भी कपड़े क्यों ना हो। पर मैं दो शिफ्ट में कर लेती हूँ मतलब एडजस्ट, बट बैठ के नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी। तो थोड़े आज करूँगी, थोड़े कल करूँगी, ऐसे कर लेती हूँ। ये पापा के कपड़े थे तो मैंने प्रेस करके उनको हैंगर में करके रख दिए। मम्मी की भी साड़ियाँ थी, इनमें भी थोड़ा थोड़ा, मम्मी मेरी भी बिना प्रेस की साड़ी नहीं पहनती है, तो मैंने सोचा इसमें भी मतलब फॉल में प्रेस कर देती हूँ, तो मैं उनके भी कपड़े प्रेस कर रही थी। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें, बना दूँ।
तो गाइज मैंने सोचा भी नहीं था मुझे सब करना पड़ेगा, बट मैंने बहुत हैप्पी हैप्पी सब कुछ किया। अब मेरी आज की वीडियो बस इतनी ही थी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करें प्लीज़। आई होप आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे मेरे साथ। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, सी यू अगेन, ओके बाय गाइज़।